झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज की और जानेंगे किस कॉमोडिटीज में आगे आपको मुनाफा मिल सकता है। इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता हमारे साथ जुड़ी है। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटीज से, सोने चांदी में। बता दें गोल्ड आज 51,370 पर कारोबार करता दिखा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो वो 51,365 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में गिरावट है, तो आपको क्या लगता है रूपा जी कि कैसा रह सकता है सोने चांदी का बाजार? देखिए, अभी गिरावट थोड़ा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार ऊपरी स्तरों से हम सोने को लुढ़कता हुआ देख रहे हैं और विदेशी बाजारों में भी $1,800 के नीचे अब सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते लग रहा है कि प्रेशर बढ़ सकता है। और सोना और चांदी अभी नीचे में, सोने की बात करें तो 51,000 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहीं चांदी भी 57,200 तक नीचे जा सकती है। रूपा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो ये 7,421 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है। क्रूड ऑयल में भी आज गिरावट देखने को मिली है, साथ ही घरेलू स्तर पर भी उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, कच्चे तेल में अभी काफी जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे ओपेक की मीटिंग भी है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। और अभी फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि 1 से 1.5% की गिरावट विदेशी बाजारों में भी देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक मार्केट भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज इंटरडे से देखा जाए तो 7,360 तक फिलहाल नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि ओपेक की मीटिंग में प्रोडक्शन को लेकर क्या अपडेट निकल कर आता है। फिलहाल के लिए जो प्रेशर है वो कोऑर्डिनेशन में रह सकता है और नीचे में मार्केट जो है 7,360 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, नेचुरल गैस की बात करें तो आज ये 609 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है, तो नेचुरल गैस के बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? लेकिन नेचुरल गैस में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, नीचे में 580 तो ऊपर में 620 की फिलहाल रेंज दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, 600 तक मार्केट आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 620 के ऊपर निकलता है तो आगे में चलकर आपको 660 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। साथ ही अगर बेस मेटल में नजर डाले तो बता दें कॉपर आज 643 पर ट्रेड करता दिखा है लगभग, और जिंक भी 292 पर ये लगभग ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में आज गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल के बाजार कैसा रहेगा? देखिए, बेस मेटल में अभी निचले स्तरों पर थोड़ा से रिकवरी आते हुए दिखाई दी। आज कॉपर में भी थोड़ा पॉजिटिव जोन है और जिंक भी थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि आज थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो बाइंग साइड में रह सकता है और कॉपर ऊपर में 644 से 648 अपसाइड रेंज पकड़ सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो 295 तक एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, ओवरऑल इंट्राडे में नॉन एग्री कॉमोडिटीज में कौन सी कॉमोडिटीज आपके अकॉर्डिंग ऐसी रह सकती है जिसमें आगे मुनाफा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए आप सोने चांदी में हल्की गिरावट करके चल सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट से बाइंग है, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कच्चा तेल और सोना चांदी में बिकवाली करके चला जा सकता है जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। रूपा जी, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पे। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक, बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।